हाय मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं भी यहीं पे अच्छी हूँ। आज भी मेरा ब्लॉग में दिखा रहे, देखिए करेला का सुपर टेस्टी, थोड़ा भी कड़वा नहीं रहेगा। देखिए एकदम कड़वा वाला करेला है, हरा कलर का। लेकिन मैंने बताया वही मेथड में आपने बना दिया तो बिल्कुल आपको कड़वा नहीं रहेगा। बच्चों लोग भी खा सकते हैं, मांग के खा लेगा आप ऐसा बना दिया तो एक बार आप मेरा ब्लॉग को देख लीजिए। चलिए हम लोग किचन में जाएंगे। देखिए मैंने करेला लिया है, ये करेला को देखिए दो टुकड़ा कर दीजिए। उसके बाद उसका अंदर का पल्प रहता है ना, उसको निकालने का आसानी तरीका देखिए, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ऐसा पीला रहता है ना सब्जी का स्किन निकालने वाला, देखिए उससे आप ऐसा अंदर डाल दीजिए, उसको ऐसा घुमा के निकाल दीजिए तो पूरा फटाफट हो जाएगा आपका काम, जल्दी उसका अंदर का पल्प सब आ जाएगा। देखिए अभी किसी किसी के घर में नहीं रहता है तो डोंट वरी, इसके लिए भी मैं आपको आइडिया बता रही हूँ। देखिए एक स्पून ले लीजिए, उसका पीछे वाला हिस्से से देखिए ऐसा अंदर डाल के उसको निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा काम आसानी से हो जाता है। ऐसा हमने सबका पल्प को, अंदर का पल्प को, बीज को सब निकाल लेंगे। निकाल के इसको है ना छोटा छोटा होके काट लेंगे। देखिए ये कटर है, कटर से है ना बहुत अच्छी तरह हम काट सकते हैं। देखिए एक ही साइज़ में ये कटिंग हो जाएगा। देखिए ये आपने ले लीजिए, कि इससे क्या काफ़ी सारा आपको यूज़फुल हो जाता है। सुबह सुबह हमको प्याज काटना, टमाटर काटना सब्जी के लिए फटाफट हो जाता है। आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो आप इसको यूज़ बहुत है इसका किचन में। तो देखिए इससे मैंने काट लिया है, कुछ बड़ा रहता है तो उस वो वाला है ना इसमें काट नहीं सकते हैं। तब उसको क्या कर दीजिए, बीज से दो टुकड़ा कर दीजिए। दो टुकड़ा करके देखिए ऐसा काट लीजिए। देखिए आसानी है ना, कितना फटाफट। आपके पास ये नहीं है तो हमारा तो है ही है चाकू, और चाकू से लेके आप इसको छोटा छोटा साइज़ में काट लीजिए। छोटा छोटा इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, अच्छी तरह जल्दी फ्राई हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, एक एक फ्राई हो जाएगा, एक एक फ्राई नहीं हो जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ छोटा छोटा काटने के लिए। अभी देखिए मैंने एक लोहा का कढ़ाई लिया है, वो गैस का ऊपर रख दिया है। सरसों का तेल डाल दिया है इसमें, थोड़ा सरसों तेल है ना थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसीलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया है। देखिए इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है क्योंकि हमारा सरसों का तेल थोड़ा गाढ़ा भी रहता है और ये स्मोकी हो जाता है, तब हमारा आँख सब जलता है। तो इसीलिए थोड़ा आपने क्या नमक डालते हैं तो आपका आँख में नहीं जलेगा और हमारा तेल भी थोड़ा लाइट हो जाएगा। देखिए अच्छी तरह हमारा तेल गरम हो गया है। अभी हमने फ्राई करने के लिए काट के रखा था ना हमारा करेला को, इसका अंदर डाल के हम अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। कढ़ाई है ना थोड़ा बड़ा वाला लेते हैं, देखिए मैंने लोहा का लिया है, मुँह थोड़ा बड़ा रहता है तो हमको फ्राई करने में आसानी हो जाएगा और फ्राई भी जल्दी हो जाता है, इसलिए मैंने लोहा का कढ़ाई ले लिया है। लोहा तो ऐसे तो अच्छा ही है हेल्थ के लिए, आपके पास भी है तो आप लोहा का कढ़ाई यूज़ कर दीजिए और जल्दी काम भी हो जाता है। देखिए ऐसा हमने, आप सिम में रह के आपका दूसरा काम भी कर सकते हैं, नहीं है आपके पास टाइम है तो आप आराम से खड़े रह के फुल फ्लेम में रखे इसको। देखिए देखिए पूरा है ना हमारा करेला तेल छूट गया है, देखिए है ना अलग हो गया है तेल से। तब इसको देखिए ऐसा निकाल दीजिए, बहुत टेस्टी रहता है, यम्मी रहता है। आप एक बार बना के देखिए, फिर आपने दूसरी वेराइटी बनाने के लिए जाएगा नहीं, करेला इतना टेस्टी हो जाता है ना। आप बना दिए तो बच्चों लोगों को भी पता नहीं चलेगा ये करेले का सब्जी है बोल के, ग्रेवी इतना टेस्टी हो जाता है। देखिए अभी ये सब मैंने निकाल के ना एक स्ट्रेनर में डाल दिया है क्योंकि क्या एक्सेस ऑयल रहता है वो नीचे चले जाएगा। अभी देखिए मैंने वही मैंने फ्राई किया था वही तेल को अभी देखिए दूसरा कढ़ाई में डाल दिया है। अभी आपको चाहिए तो है ना फ़िल्टर करके इसको डाल सकते हैं, मैंने फ़िल्टर नहीं किया है क्योंकि हमने फ्राई किया था थोड़ा थोड़ा वो सब गिरा हुआ रहता है। आपको चाहिए तो फ़िल्टर करके तेल को दूसरा कढ़ाई में डाल दीजिए। अभी देखिए मैंने उसमें तेल डाल दिया, तेल थोड़ा गर्म होने दीजिए। देखिए छोटा सा बाउल ले लीजिए, उसका अंदर 4 स्पून है ना खट्टा दही ले लीजिए, खट्टा दही से ज़्यादा खट्टा भी नहीं, मीडियम खट्टा वाला दही ले लीजिए, ये करेले का ग्रेवी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए मैंने 4 स्पून खट्टा दही लिया है और मैंने 2 स्पून होममेड मसाला डाल दिया है और आधा स्पून मैंने मिर्चा पाउडर डाल दिया है, आधा स्पून मैंने हल्दी डाल दिया है और 2 स्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। धनिया पाउडर से ना ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए 2 स्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अभी दे मैं डाल दे चाट मसाला, आधा स्पून डाल रही हूँ, चाट मसाला भी टेस्ट देता है और आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर से खट्टापन भी हो जाता है इसीलिए अच्छा रहता है। 1 स्पून मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया है। अभी इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, देखिए ऐसा
अभी इसमें मैंने आधा स्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल दिया। कश्मीरी चिल्ली पाउडर से क्या होता है, ग्रेवी भी होता है और इसका कलर भी प्यारा कलर हो जाता है, इसलिए मैंने देखिए आधा स्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल दिया है। देखिए इसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए ऐसा दही और आमचूर पाउडर सब डाला है ना, तो इसलिए अच्छा टेस्ट देता है। अभी मैंने गरम किया हुआ पानी को इसमें डाल दिया है, कि थोड़ा गाढ़ा था ना मसाला तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, इसीलिए मैंने देखिए थोड़ा गरम किया हुआ पानी डाल के इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर रही हूँ। कहाँ पे भी गाढ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने फ्राई करने का वक्त है ना, हमारा ग्रेवी अच्छी तरह मसाला फ्राई होना चाहिए, इसीलिए देखिए अभी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी मैंने इसके अंदर एक सीक्रेट चीज़ डाल रही हूँ, इससे क्या होता है ग्रेवी भी होता है और टेस्ट डबल हो जाता है। कुछ भी नहीं है, ये है हमारा सत्तू का पाउडर। सत्तू का पाउडर मैंने 2 स्पून डाल दिया है, आप ये डाल के बनाएं ये सुपर टेस्टी हो जाता है। उसको भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तब तक के लिए हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैंने सरसों डाल दिया आधा स्पून, आधा स्पून मैंने जीरा डाल दिया है और काट के रखा था 2 प्याज डाल दिया, 2 हरा मिर्चा और थोड़ा कड़ी पत्ता डाल दिया है। सब अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। प्याज 2 डाल दिया इसलिए ग्रेवी भी ज़्यादा हो जाएगा और क्या थोड़ा एक कस्सापन रहता है ना हमारा करेला, थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा मीठा रहता है ना प्याज, इसीलिए अभी इसलिए मैंने ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए प्याज भी मैंने 2 बड़ा बड़ा डाल दिया है। अभी इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे और जल्दी फ्राई होने के लिए मैंने इसमें थोड़ा हल्का सा नमक डाल दिया है। नमक से क्या प्याज जल्दी फ्राई हो जाता है। देखिए अभी अच्छी तरह फ्राई हो गया। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, आप एक ही बार बना के रख दीजिए तो ये 1-2 महीने तक कुछ भी नहीं होगा आपको। फ्रिज में रख दिया तो 2 महीने तक इसको आप यूज़ करते, हमारा फटाफट काम में ये जल्दी हो जाता है, नहीं तो निकालो फिर कूटो डालो बहुत मेहनत का काम हो जाता है। इसका मैंने रेसिपी भी मेरा ब्लॉग में डाला है, जाके देख लीजिए, आसानी से आप बना के रख दीजिए। देखिए इसका भी अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चला गया है। अभी मैंने काट के रखा था ये टमाटर को डाल दिया है, आपको चाहिए तो 2 भी टमाटर डाल सकते हैं, टमाटर से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। मैंने 1 टमाटर डाल दिया है, इसको भी मैंने अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। टमाटर है ना थोड़ा बॉयल होना चाहिए, तब तक के लिए हमने इसको फ्राई कर देंगे। देखिए अभी मैंने इसको 2 मिनट तक मैंने सिम में रख दिया था। अभी हमारा टमाटर बॉयल होने दीजिए। तब तक के लिए मैंने सत्तू का पाउडर डाला था ना, उसको भी मैंने मसाला में अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। अभी देखिए हमारा टमाटर अच्छी तरह बेक हो गया है। देखिए अभी हमने निकाल के रखा था मसाला को सब इसका अंदर डाल देंगे। ये मसाला बहुत टेस्टी हो जाएगा, स्पेशली सत्तू का पाउडर दही सब डाला है ना, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सीक्रेट पाउडर से बहुत टेस्टी रहता है, आप एक बार बना के तो देखिए। फिर है ना इसको हम डालने के बाद है ना छोड़ना नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंटली इसको हमने फ्राई करते रहने का, अदरवाइज हमने दही डाला है ना, दही डाला है इसीलिए ये दही फट जाने का चांसेस हो जाता है। और इसका फ्लेम है ना एकदम सिम में रख दीजिए। सिम में रख के आपने इसको देखिए, और भी मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गए थे, फ्राई करने में क्या होता दिक्कत है, जल्दी नीचे पकड़ लेगा ये, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी डाल के इसको देखिए अच्छी तरह हमने मिक्स कर देंगे। ऐसा कॉन्स्टेंटली इसको हिलाते रहिए, अदरवाइज़ ये दही फट जाने का चांसेस हो जाता है, इसलिए इसको कॉन्स्टेंटली 2 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह हिलाते रहिए। दही से बहुत टेस्ट बढ़ जाता है इसे, और बिल्कुल कड़वापन लगता ही नहीं है, आपको लगता भी नहीं है ये हमने करेला बनाया है बोल के। करेला तो बहुत अच्छा है लेकिन कस्सापन का वजह से सब लोग खाते नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग। देखिए इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करके अभी इसको ढक के रख दिया है। 5 मिनट तक एकदम सिम में रख दीजिए। देखिए अभी मैंने 5 मिनट के बाद खोल के देख लिया, देखिए सब तेल ऊपर आ गया है ना, तो हमारा ग्रेवी का कच्चा स्मेल सब चला गया है, ये आपको पता चलना चाहिए। कब तेल बाहर ऊपर आ जाएगा तो उसका कच्चापन निकल गया है। अभी मैंने सब फ्राई करके रखा था ना करेला, उसको मैंने डाल दिया है। अभी इसको भी हमने अच्छी तरह मसाला का अंदर मिक्स कर देंगे। देखिए ऐसा आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए। अभी देखिए हमारा मसाला है ना बहुत ज़्यादा टाइट है, इसीलिए हमने इसमें थोड़ा गर्म किया हुआ, ठंडा पानी मत डालिए, ठंडा पानी डाल देते एकदम टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आप हमेशा कुछ भी चीज़ बनाते हैं उसमें गर्म हो गया हमारा मसाला तो गर्म पानी ही डाल दीजिए। देखिए मैंने अभी 1 गिलास तक गर्म पानी डाल दिया है। अभी इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब देखिए अभी इसका ऊपर है ना मैं 2
कड़ी पत्ते का कली और दो हरा मिर्चा डाल देती हूँ। डाल के इसको ढक के मैंने 5 मिनट तक सिम में रख दिया है। देखिए रेडी टू ईट, बहुत अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता और हरा मिर्चा लास्ट में डाला ना, उसका खुशबू भी बहुत अच्छा रहता है। आप ऐसे ही बना के देखिए, खा के देखिए। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।